फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी पावर शेयरिंग के कितने रूप हैं, कितने फॉर्म्स हैं। द आइडिया ऑफ द पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। यानी एक आइडिया था, एक सोच थी कि पावर का बंटवारा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पावर मस्ट बी अनडिवाइडेड। तो पावर शेयरिंग ने इसी के अगेंस्ट एक मोर्चा खोला, यानी पावर शेयरिंग जो थी वो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट आकर खड़ी हो गई। इसका आइडिया बिल्कुल उसके अपोजिट था। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। लंबे समय से ऐसा महसूस किया जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता था कि जितनी भी पावर है एक गवर्नमेंट की, वो एक इंसान के पास या एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के पास होना चाहिए जो एक ही जगह पर मौजूद हैं। इट वॉज फेल्ट दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, ऐसा महसूस किया जाता था कि अगर निर्णय लेने की, फैसला लेने की जो पावर है उसका डिस्पर्जन हो गया है। अब डिस्पर्स मतलब होता है कि फैल जाना, यानी ज़्यादा लोगों के बीच अगर डिसाइड करने की पावर को फैला दिया गया, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू इन्फोर्स देम। तो ये आसान नहीं होगा डिसीजन को लेना और उस डिसीजन को इन्फोर्स करना, लागू करना। इसलिए क्योंकि अगर किसी चीज़ का फैसला किसी एक इंसान को करना है तो भाई आसान होता है कि उसने कहा हाँ तो हो गया, लेकिन अगर 10 लोगों को का सिग्नेचर या 10 लोगों की परमिशन चाहिए किसी काम को होने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई एक नहीं माना तो वो काम नहीं हो पाएगा और फिर उसको लागू करना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। बट दिस नोशन हैव चेंज विद द एमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन ये जो नोशन था, यानी ये जो धारणा थी, ये जो सोच थी, वो बदल गई डेमोक्रेसी के आने के बाद। डेमोक्रेसी जब का इमर्जेंस जो हुआ, जब डेमोक्रेसी आई एग्जिस्टेंस में, तो ये चीज़ बदल गई। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जो एक बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का, सिद्धांत है जिस पर यह डेमोक्रेसी खड़ी है, जिस पर डेमोक्रेसी चलती है, वो ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल पावर है उनका जो सोर्स है, यानी जहाँ से वो पैदा होती हैं, वो लोग ही हैं। लोगों के द्वारा ही पॉलिटिकल पावर बनती है और किसी को मिलती है। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने ऊपर ही रूल करते हैं, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन या किसी एक गवर्नमेंट बनाकर उसके ज़रिए से अपने ऊपर रूल करते हैं, इसे सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने किसी डाइटिशियन को अपने साथ रखा, उसे आप पैसा देते हो इसलिए कि तुम मुझे बताओ कि क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी है मुझे, क्या चीज़ मेरे हेल्थ के लिए सही है और क्या ख़राब है, कितना खाना है। तो बेसिकली लगेगा, दूसरों को देखने में लगेगा कि डाइटिशियन बता रहा है इसको कि ये खाओ ये ना खाओ, लेकिन असल में पावर उसको किसने दी है, मैंने दी है, क्योंकि मैंने उसको मैं पैसा देता हूँ, मैं जब चाहूँ उसे हटा दूँ या किसी दूसरे डाइटिशियन को रख सकता हूँ। इसी तरह डेमोक्रेसी में भी होता है कि लोग ही सेलेक्ट करते हैं कि भाई ये पार्टी है, ये गवर्नमेंट, ये लोग हैं, ये गवर्नमेंट बनाकर हम मेरे ऊपर रूल करें, लेकिन जनता जब चाहे उस पॉलिटिकल पार्टी को हटा सकती है। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू द डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। एक अच्छी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि सम्मान दिया जाता है और ध्यान दिया जाता है डाइवर्स ग्रुप पर, यानी डाइवर्स ग्रुप मतलब अलग अलग तरीके के ग्रुप हैं, वो किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, धर्म के आधार पर, कलर के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, इनके सम्मान किया जाता है और उनकी बात को सुना जाता है, उनके व्यू और जो अलग अलग व्यूज़ हैं समाज के अंदर, अलग अलग सोच के लोग रह रहे हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है, उनकी भी बात मानी जाती है। Everyone has a voice in the shaping of the political public policies. यानी हर किसी की आवाज़ शामिल है public policies, यानी नीतियों की, जनता की जो नीतियाँ हैं, जनता के लिए चीज़ फ़ायदेमंद है उसको बनाने के लिए हर किसी की आवाज़ शामिल। वॉइस का वर्ड यूज़ इसलिए किया क्योंकि असल में सोच कहना चाहिए कि हर किसी की सोच, हर किसी का आइडिया शामिल है, लेकिन आइडिया को एक्सप्रेस करने का रास्ता बोलकर ही तो आइडिया को एक्सप्रेस किया जा सकता है।
इसीलिए कहा वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज, देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज मैनी सिटीजन एज पॉसिबल। इसीलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा लोगों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा आइडियाज़ होंगे हमारे पास। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो इस डेमोक्रेसी के जिस रूप में अभी हम लोग देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उसमें वो अलग अलग रूप ले सकते हैं। लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस। वो जो बहुत कॉमन अरेंजमेंट है वो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर का जो बंटवारा होता है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के यानी अलग अलग पार्ट्स अलग अलग अंग में वो होता है, उसके बीच होता है जो एक ही लेवल पर है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या होता है, ये लॉ बनाता है, जैसे हमारा पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा राज्यसभा, यहाँ बिल पास होता है, कोई कानून बनता है। और उसके बाद आता है आपका एग्जीक्यूटिव, ये वो है जो रूल को इन्फोर्स करता है, लॉ को इन्फोर्स करता है। मान लीजिए कोई लॉ बन गया, अब कोई उसे नहीं मानेगा, कहीं पर भी वो लॉ नहीं चलेगा, ना ही आप उसका अदालत में जाकर भी उस लॉ के बारे में नहीं बता सकते कि भाई इस लॉ के तहत मेरे लिए ये कानून है, ये फैसला करना है। क्यों? क्योंकि वो लॉ बन तो गया है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अभी, जब तक एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में जाकर उस पर मुहर ना लग जाए, परमिशन ना मिल जाए। इसका हेड होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जो है मिनिस्टर्स होते हैं, अटर्नी जनरल होते हैं, ये सब इसके पार्ट्स हैं, ये सब इसमें वर्क करते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में। एंड जुडिशरी, अब तो जानते हैं जुडिशरी क्या है, हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जज हैं, चीफ जस्टिस, और ये सब ये जुडिशरी डिपार्टमेंट में आता है, ये फैसला करते हैं। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, इसलिए क्योंकि कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है, तीनों ही बराबर है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डिपार्टमेंट, ये तीनों ही बराबर है, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, इसलिए पावर एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट होती है प्लेस्ड, क्योंकि ये एक सेम लेवल पर है लेकिन पावर्स भी अलग अलग है। सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी पार्ट जो है वो अनलिमिटेड पावर नहीं पा सकता, हर किसी के पास एक हद तक पावर है। ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, हर ऑर्गन, दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ द पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से एक बैलेंस बना हुआ होता है सिस्टम के अंदर। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। हमने पढ़ा था पिछले साल कि डेमोक्रेसी के अंदर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास पावर होती है लेकिन उनको भी जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में। पीएम को भी जवाब देना पड़ता है, अपोजिशन आस्क करता है, पूछता है सवाल, इसीलिए उनको सोच समझकर कोई भी फैसला लेना पड़ता है। सिमिलरली ऑल द जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। अब क्या होता है, जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट करता है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, और उसके नीचे लोग आते हैं। तो इस जजेस का अपॉइंटमेंट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव करता है, लेकिन जो है जजेस जो होती हैं यानी जुडिशियल डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को भी चेक कर सकता है। और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर यानी असेंबलीज, क्या लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, यहाँ से जो लॉ बनता है उसको भी चेक कर सकता है। हालांकि जजेस को बनाने वाला एग्जीक्यूटिव है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव के भी काम को चेक कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, यानी कोई बड़ा नहीं है। एक आदमी अपने बच्चे को से पूछ सकता है कि तुम कहाँ थे इतनी देर, क्या इतना टाइम क्यों लगा, लेकिन बच्चा नहीं पूछ सकता अपने फादर से कि आपको इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ चले गए थे। क्यों? क्योंकि एक पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, एक बड़ा और छोटा है, लेकिन यहाँ दोनों बराबर है। वो इसके बारे में पूछ सकता है, वो इससे पूछ सकता है। जुडिशियल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव से आस्क कर सकता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशियल से आस्क कर सकता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इस सिस्टम कहते हैं चेक और बैलेंस का सिस्टम। सेकेंड पॉइंट जो आता है, सेकेंड टाइप ऑफ शेयरिंग जो होती है, वो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग
डिफरेंट और गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पर गवर्नमेंट। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ बराबर नहीं होगा, बड़े से छोटा फिर उससे छोटा, इस तरह से होता रहेगा, इस तरह शेयरिंग होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल। एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश की होती है, और एक अलग अलग इलाके के, प्रोविंस के, यानी प्रोविंस मतलब होता है प्रांत के, इलाके के, और एक रीजन जो है रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट। सच अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज़ यूजली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको आम भाषा में दुनिया भर में फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। इन इंडिया वी रिफर एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर हम इसे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। जो रीजनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से हम जानते हैं। इन इंडिया, अपने भारत देश में, वी कॉल देम एज स्टेट गवर्नमेंट। हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री। ये जो सिस्टम है सेंट्रल और स्टेट इस तरह गवर्नमेंट गवर्नेंस का, ये हर देश में नहीं है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ कोई भी प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी लेकिन वो देश जो हमारी तरह है, यानी जहाँ स्टेट लेवल पर भी पावर शेयरिंग होती है, यानी रीजनल लेवल पर भी पावर शेयरिंग होती है, वहाँ क्या होता है, वहाँ का जो संविधान है वो अलग अलग लेवल के बीच में पावर को बांट देता है कि इसको ये पावर है और इसको ये पावर है, इस तरह से। दिस इज़ वॉट दे डिड इन द बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। बेल्जियम में देखिए हुआ था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था कम्युनिटी के बीच में इस तरह से, लेकिन श्रीलंका में इसे रिफ्यूज़ कर दिया गया। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसी को कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, यानी लेवल में जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहते हैं फेडरल डिवीजन। यानी एक एक के पास ज़्यादा पावर होगी, फिर उससे नीचे उसकी कुछ पावर नीचे वाले को, फिर उससे नीचे वाले को, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको फेडरल डिवीजन कहते हैं। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का होता है, जो पार्षद वगैरह बनते हैं और पंचायत सदस्य बनते हैं, पंचायत हेड बनते हैं, वो भी इलेक्शंस के जरिए बनते हैं, तो वो भी एक गवर्नमेंट हो गई, उनके पास भी अपनी एक पावर होती है। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ द पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इसे वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। अब सीएम और पीएम बराबर नहीं हो सकते, हालांकि दोनों इलेक्टेड इलेक्शन के जरिए ही आए हैं, लेकिन दोनों बराबर नहीं है। वी शैल, इसीलिए इसको वर्टिकल डिवीजन कहते हैं। वी शैल स्टडी दीज एट सम लेंथ इन नेक्स्ट, अगले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। पावर मे ऑल्सो बी शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। अलग अलग सामाजिक ग्रुप के बीच में भी पावर की शेयरिंग हो सकती है, जैसे धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की अपनी एक गवर्नमेंट बन जाए जो उनके मसलों को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, या कम से कम कोर्ट तक ले जाए, या गवर्नमेंट के जो मेन गवर्नमेंट है उसके सामने रख सके। उसके पास भी कोई पावर होनी चाहिए, पावर होगी तभी इसे गवर्नमेंट हम कहेंगे, पावर शेयरिंग कहेंगे। एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी भाषा के आधार पर, जैसे कि बेल्जियम में था, इसी गवर्नमेंट कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, डच स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग वाली, वो एक इसका, इस थर्ड पॉइंट का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाई सोशल वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत से देशों में क्या होता है, एक लीगल अरेंजमेंट होता है, जैसे हम आम तरीके से समझते हैं कि आरक्षण मिलता है, एक रिजर्वेशन ऑफ द सीट होता है, जो समाज के कमज़ोर तबके हैं या जिनकी पॉपुलेशन कम है जिस कम्युनिटी की, या महिलाओं के बारे में को अलग से एक जगह दी जाती है, उनकी सीट रिजर्व होती है, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को और अपने जैसे लोगों को रिप्रेजेंट कर सकें लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर वी स्टडीड सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। तो हमने पिछले साल पढ़ा हुआ था इसके बारे में, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी किस तरीके से रिजर्वेशन होता है, मिलता है असेंबलीज के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। यानी अरेंजमेंट इसलिए दिया जाता है ताकि एक जगह मिले, उनको भी आने का मौका मिले, जो वीकर सेक्शन से हैं, कमज़ोर तबके से हैं, या
छोटी कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे अपने देश के अंदर क्रिश्चियंस हैं, वो उनकी पॉपुलेशन कम है, या वुमेंस हैं, वो उनको भी प्रायोरिटी दी जाती है कि वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर वो आए, टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी जिन्हें ये महसूस होता है कहीं या अगर अरेंजमेंट ऐसा ना किया जाए तो उन्हें महसूस होगा कि हमें एलिनेटेड यानी अलग थलग, इसका मतलब होता है कि हम अलग हैं, इनको महसूस ना होने पाए कि हम सरकार से अलग थलग हैं। दिस मेथड इज़ यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयरिंग पावर। इस वजह से क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, कि जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है उनको भी एक हिस्सा मिल जाए पावर के अंदर। इन यूनिट सेकेंड वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ एकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। यूनिट सेकेंड में इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ जो पार्ट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, वो किस तरह से होता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। अब चौथा जो है वो पावर शेयरिंग किस तरह से होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट है वो भी इफेक्ट डालती हैं पावर पर। कोई भी आपने गड़बड़ किया, अब अपोजिशन बैठा हुआ है, कोई भी आपने गड़बड़ की तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरीके से प्रेशर ग्रुप, जैसे कि अन्ना हजारे का आंदोलन चला था, वो भी इसी में आता है कि उसकी वजह से बड़ा इफेक्ट हुआ था रूलिंग गवर्नमेंट को और जो उस समय रूल कर रही थी पार्टी। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, अभी राफेल डील का मामला जिस तरह से चल रहा है तो अपोजिशन इस पर को बात उठा रही है, इसका इफेक्ट पड़ता है। हाँ, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो जनता समझेगी कि हाँ देश के साथ गलत हुआ है, रूलिंग पार्टी ने गलत किया है, तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। इन ए डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। डेमोक्रेसी के अंदर लोग आज़ाद होते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ को किसी को भी हम चूज़ कर सकते हैं वोट देकर। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स अ फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। इसे हम कहते हैं कि अलग अलग पार्टीज़ के बीच में, डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। यही पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि पावर एक आदमी के हाथ में नहीं रहेगी या एक ग्रुप या एक पार्टी के हाथ में नहीं रहेगी। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अगर हम दूर तक देखें तो पावर बदलती रहती, कभी इसकी सरकार कभी उसकी सरकार, हाँ अलग अलग पार्टीज़ के बीच में चलती रहती है। वो पार्टीज़ जिनकी अपनी अलग तरीके की आइडियोलॉजी है, अलग तरीके के सोशल ग्रुप्स हैं, वो अलग अलग तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि अपनी सोच है। सम टाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कभी कभी ये डायरेक्ट शेयरिंग भी हो सकती है। किस तरह से, व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन। गठबंधन की सरकार बनाकर, अलायंस बनाकर पार्टी, जैसे कि यूपी में हुआ था कांग्रेस और सपा के बीच में गठबंधन हुआ था कि हम इलेक्शन कराएंगे, हमारी सीट जो है जिस जगह पर सपा अपने कैंडिडेट को उतारेगी वहाँ कांग्रेस नहीं, और जहाँ कांग्रेस उतारेगी वहाँ सपा नहीं। इस तरह से कोलिजन गवर्नमेंट बनती है। इफ़ दियर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोलिजन गवर्नमेंट। अगर जीत जाते हैं इलेक्शन तो क्या होगा, एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती है और ये सीधी डायरेक्टली पावर शेयर होती है, यानी एक ही टाइम पर एक ही समय पर दोनों पावर शेयर करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर बिजनेसमैन इंडस्ट्रीज फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हम क्या करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट इनका भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे कोई कोई भी पार्टी आप देखेंगे, जितने भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं उनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, नाम होता है, इसीलिए क्रिकेटर्स हैं और फिल्म स्टार्स हैं, ये लोग क्यों आते हैं, क्योंकि पास पैसा है और नाम है। तो ये लोग बहुत इफेक्ट डालते हैं, कोई भी पार्टी अपना इलेक्शन नहीं करा सकती जब तक कि उन्हें कोई बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट ये सब जो है सपोर्ट ना करें, तो इनका भी इफेक्ट होता है कि बात भी माननी पड़ेगी। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर्स आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कम्युनिटी और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। या तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे अपने कैंडिडेट, वो कहेंगे भाई इसको इलेक्शन में खड़ा करो या मुझे टिकट दो, कोई बिजनेसमैन है वो चाहता है कि मुझे टिकट मिले, तो एक डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि मैं जैसा कहूँगा आपको वैसे मानना पड़ेगा, तब मैं आपकी मदद करूँगा। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ द पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट। हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे यूनिट थर्ड के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, सोशल ग्रुप्स के बारे में, सोशल मूवमेंट के बारे में। सोशल मूवमेंट के बारे में जैसे बताया था अन्ना हजारे के जो आंदोलन हुआ था, तो उससे इफेक्ट पड़ता है रूलिंग पार्टीज़ के ऊपर।
अगर कोई मोर्चा खोल दिया करप्शन के खिलाफ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द पावर शेयरिंग विच आर द फोर टाइप्स ऑफ शेयरिंग डू दिस रिप्रेजेंट। हमको बताना है कि ये कैसी कैसी पावर शेयरिंग हो रही है। द बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि इमीडिएटली टेक एक्शन एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन। यानी अब तुरंत एक एक्शन लीजिए और जो है स्थिति, जीवन स्थिति को इम्प्रूव करिए फॉर द 2000 odd चिल्ड्रेन एट 7 चिल्ड्रंस होम इन मुंबई। इसमें क्या है पावर शेयरिंग, देखिए सिर्फ हमको इतना जानना है किसने किसको ऑर्डर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, तो पहला डिवीजन हुआ कि नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो क्या है, जुडिशरी डिपार्टमेंट है, और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट क्या है, वो लेजिस्लेचर है। तो ये कौन सा था, पहला वाला था पावर डिस्ट्रीब्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ ओरिएंटो स्टेट इन कैनेडा हैज़ एग्रीड अ लैंड सेटलमेंट विद द एबनॉर्मल एबोरिजिनल कम्युनिटी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक कम्युनिटी के साथ संबंध जो है एक सेटलमेंट क्लेम किया, सिर्फ इतना हमको जानना है। तो ये थर्ड वाला हुआ कि नहीं, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट या एक ग्रुप के बीच में जो हुआ है। इन मिनिस्टर इसके बारे में और आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इतना ही समझ गए हम। रशियाज़ टू इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज द यूनियन ऑफ द राइट फोर्स एंड द लिबरल येबलो को मूवमेंट एग्रीड टू यूनाइट दियर ऑर्गेनाइजेशन इन टू अ स्ट्रॉन्ग राइट विंग कोलिजन। कोलिजन बना दो पार्टीज के बीच में। इस कौन सा एग्जाम्पल हो गया, ये फोर्थ वाला हो गया, कोलिजन गवर्नमेंट हमने अभी पढ़ा था। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट इन नाइजीरिया गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड दैट द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स सोर्स ऑफ इनकम। यानी मिनिस्टर्स ने क्या कहा कि अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं गवर्नमेंट। ये पहला वाला हो गया। यानी फाइनेंस मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के किसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। यानी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में आस्क किया गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट क्या हो गया, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव ने लेजिस्लेचर से आस्क किया। तो ये हो गया एग्जाम्पल।